What is the difference between theft and unauthorized use of electricity? That's wonderful. So the question is, कि भाई थेफ्ट और अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, और कहां डिमार्केशन लाइन कहां पे लगाएंगे, ये थेफ्ट है और ये अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके लिए तीन वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है, एंड दीज थ्री वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कर रहे हैं, आपका डोमेस्टिक कनेक्शन है, आप डोमेस्टिक काम के लिए बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपकी एक इंडस्ट्री है, आपने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लिया है, तो भी वो ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपकी एक शॉप है या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, आपने कमर्शियल कनेक्शन लिया है, देन इट इज अ ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन केस ऑफ ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू डोंट पे द बिल, देन अंडर सेक्शन 56 डिसकनेक्शन ऑफ सप्लाई इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट कैन बी डन। एकदम सिंपल है, ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपने बिल पे करना बंद कर दिया, आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, सिर्फ क्या कर सकती है डिस्काउंट सेक्शन 56 में, वो डिसकनेक्शन कर देगी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, काम खत्म है। फर्स्ट वर्ड है ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वर्ड है उससे ऊपर है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पांच चीजें हैं, सो उन पांच कैटेगरीज में अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आप कहीं भी फॉल कर रहे हैं। सो अगर आपका जो कनेक्शन है नॉट ऑथराइज्ड बाय लाइसेंस है, अगर आपका कनेक्शन आर्टिफिशियल मींस से आपने कुछ टैम्पर करा है, थर्ड इज मीटर इज टैम्पर्ड, फोर्थ इज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन यूसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड, एग्रीकल्चर कनेक्शन है और यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, फिफ्थ है प्रीमाइसेस अदर देन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑथराइज्ड, भाई आपके ऊपर कोई फ्लैट है आपने उसको भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के केस में सेक्शन 126 अप्लाई होता है और असेसमेंट ऑर्डर इज इश्यूड, ट्वाइस द टैरिफ रेट फॉर अ ईयर इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे ज्यादा पेनल्टी नहीं हो सकती। सो फॉर एग्जाम्पल एक चीज है, किसी ने आपको बोला कि मेरा असेसमेंट ऑर्डर 5000 का है, लेट अस अस्यूम, आस्क हिम आपका लास्ट बिल कितने अमाउंट का था, लास्ट बिल उसने अगर बोला कि 500 रुपए का था या लेट अस अस्यूम 1000 रुपए का था, तो आप बोलोगे विद इन रेंज है। लेकिन अगर किसी ने बोला मेरा 1,00,000 का बिल आया है, आपने उससे पूछा लास्ट बिल कितने का था, उसने बोला 1000 रुपए का, इट इज आउट ऑफ रेंज, इट हैज टू बी चैलेंज्ड देन। सो दैट जनरल अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव इट यू विल बी एबल टू एडवाइज द पर्सन बेटर एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट वर्ड हमने समझ लिया ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड वर्ड उससे ऊपर जो है वो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ऊपर। Dishonest use of electricity का मतलब होता है theft. Your intention was not right. आपने जानबूझ के इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करा है जिससे आपको बिल कम देना पड़े, आपने कुंडी कनेक्शन लगाया है डायरेक्ट, आपने मीटर ही नहीं लिया है, you have not applied for electricity connection. Dishonest use of electricity में कई बार डिस्कॉम दोनों चीजें लगा देती है, आपको असेसमेंट ऑर्डर भी दे देती है और आपके अगेंस्ट FIR भी फाइल कर देती है। सो फर्स्ट जब ऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका बिजली का डिस्कनेक्शन हो जाएगा। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैक्सिमम जो पेनल्टी हो सकती है ट्वाइस द टैरिफ रेट फॉर वन ईयर हो जाएगी। डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास थेफ्ट ऑफ चार्जेस सेक्शन 135 में भी लगेंगे, साथ में असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन 126 में, दोनों साथ में डिस्कॉम की चॉइस है एक्चुअली। They have a choice. They can do both the things because unauthorized use of electricity का subset है theft of electricity. एक छोटा सा part है. So theft of, if the DISCOM is gracious, even theft of electricity को unauthorized में अपना करके वो charges press नहीं करेगा, क्यों मैं इतना मेहनत करूं court जाने का और बाकी काम करने का। So hope I have answered the question. तीन word से clear हो जाता है क्या difference क्या है theft of electricity में और unauthorized use of electricity में। तीन वर्ड ये हैं, ऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्शन 56 से गवर्न होती है, अनऑथराइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्शन 126 से गवर्न होती है, और डिसऑनेस्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्शन 135 से गवर्न होती है। सो बैक टू यू सानवी। थैंक यू फॉर ऑल दिस अमेजिंग इन्फॉर्मेशन सर। नाउ वी कैन क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।